नमस्कार, मैं डॉक्टर सावित्री कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, हिंदी विभाग, SS मेमोरियल कॉलेज रांची, सेम सिक्स के विद्यार्थियों के लिए तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दहिया पर बात करूंगी। तुलसीराम की दो आत्मकथा प्रसिद्ध हैं, मुर्दहिया जो 2012 में प्रकाशित हुआ है और मणिकर्णिका जो 2014 में प्रकाशित हुआ है। मुर्दहिया उनके जीवन का जनपद पर्व है और मणिकर्णिका काशी पर्व है या नगर पर्व है। तुलसीराम का जन्म 1 जुलाई 1949 ईस्वी को हुआ था। मुर्दहिया में उनके बचपन से लेकर 1966 के मार्च अप्रैल महीने तक का आख्यान है। तुलसीराम एक दलित परिवार से आते हैं और अपने शिक्षा के प्रति रुझान को बरकरार रखते हैं, बहुत सारे कष्ट झेलते हैं और अंततः JNU में रूसी एवं मध्य एशियाई अध्ययन विभाग में प्रोफेसर नियुक्त होते हैं। उनकी विशेषज्ञता विश्व कम्युनिस्ट आंदोलन और रूसी मामलों में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज को 3 सूत्र दिए थे, पढ़ो, संगठित हो जाओ और संघर्ष करो। दलित साहित्य के जो लेखक हैं उन पर अंबेडकर के जीवन और दर्शन का व्यापक प्रभाव पड़ा है। शूद्रों की परतंत्रता के मूल में ज्ञान का अभाव है, इसे डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट किया है और इसी अज्ञानता को शोषण, दमन और उपेक्षा का वास्तविक कारण भी माना है। इसीलिए शिक्षा प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है। इसी को समझते हुए तुलसीराम BHU की पढ़ाई के लिए ललायत हो उठते हैं और कलकत्ता जाकर वहां वे सोबरन भैया के यहाँ रहते हैं और 2 रुपये रोज के मेहनताने पर गरम लोहे को सणसी से पकड़ने का कार्य करते हैं। इस प्रकार 150 रुपये जमा होते हैं और PHU में वे एडमिशन ले पाते हैं, दाखिला ले पाते हैं। उनको BHU में प्रवेश तो मिल गया था, लेकिन जब उनकी मकान मालकिन ने यह जाना कि ये चमार है तो उन्हें घर से बाहर कर दिया गया। उन्हें लगातार पैसे की किल्लत हुई। एक बार तो उनको लगातार 9 दिनों तक भूखा रहना पड़ा। 8वें दिन वे एक रिश्तेदार के यहाँ गए तो वहां ताला लटका मिला। वे वापस गंगा के किनारे आए, दशाश्वमेध घाट गए, घाट पर बैठे रहे। वहीं घाट के ऊपर खिचड़ी बंट रही थी, परंतु तुलसीराम स्वाभिमानी थे, उन्होंने दान की खिचड़ी नहीं खाई और अपनी पाठ्य पुस्तक ओथेलो को आधे दाम में बेचा और जो रुपये मिले उससे उन्होंने चावल, दाल और कोयला खरीदा और स्वयं खिचड़ी बनाई और खाई। तुलसीराम विद्या अनुरागी थे, उन्होंने बहुत सी महत्वपूर्ण पुस्तकें पढ़ी, जिनमें प्रमुख हैं राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक भागो नहीं दुनिया बदलो, तुम्हारी छह, और इन किताबों को पढ़कर वे कम्युनिस्ट बन गए और नास्तिक भी। उन्होंने मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, माओ की रचनाएं पढ़ी, उन्होंने मार्क्सवाद को समझा, उन्होंने मार्क्स और एंगल्स के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को पढ़ा। उसमें क्या है,
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ के पहले अधिवेशन में मार्क्स ने जो भाषण दिया था 1864 में सेंट मार्टिन हॉल में, जिसमें 2000 लोग खचाखच भरे हुए थे, उन्होंने क्या भाषण दिया था? उन्होंने कहा था, दुनिया भर के मजदूरों को एकजुट होकर उन विदेशी नीतियों के खिलाफ लड़ना है जो पक्षपाती हैं और गरीबों के खून, पसीने और पैसे को फिजूल लड़ाइयों में बहा रही हैं। हमें सरहदों को तोड़ते हुए एक होना है और रक्षा करनी है उन साधारण मानव मूल्यों की, जिन्हें हमारे मालिक अपने पैरों तले रौंद रहे हैं। दुनिया के मजदूरों एक हो। मार्क्स ये भी बताते हैं कि दुनिया में जो संसाधन हैं, वे किसी पूंजीपति के लिए केवल नहीं है। दुनिया में जितना पैसा है उससे दुनिया का और उसमें रहने वाले सभी का भला हो सकता है। लोगों को उनका हिस्सा मिलना चाहिए, उनको खाना मिलना चाहिए, दवाइयां मिलनी चाहिए, अच्छी हवा, साफ पानी, पेड़, घास, रहने के लिए घर, और हर इंसान इसके लायक है। जिसने भी जन्म लिया है उसे जीने का हक है और शिक्षा पाने का भी हक है और काम का भी हक है। इन सारी बातों का तुलसीराम पर गहरा प्रभाव पड़ा। बौद्ध का दर्शन उनके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन लाता है। जब वे बनारस जाते हैं और वहां सारनाथ में जब अपने आदर्श नायक गौतम बुद्ध की स्मृतियां को जीवंत करते हैं, एक मंदिर की दीवार पर बुद्ध को निर्वाण की मुद्रा में लेटे हुए देखते हैं, तो उनको लगता है आगे पीछे दाएं बाएं हर दिशा में चारिका करता रहा और सोचता रहा कि सदियों पूर्व बुद्ध को न जाने कितने यहां पदचिन्ह पड़े होंगे। मैं उन्हीं विलुप्त पदचिन्हों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। मृगदाओं के इर्द गिर्द घूमते हुए मैं कई बार बुद्ध के प्रथम उपदेश की अनेक बातों को दोहराता रहा। तुलसीराम ने चीनी क्रांति, रूसी क्रांति, सोवियत पार्टी का इतिहास भी पढ़ा था और उससे आकर्षित भी हुए थे। उनकी रुचि सीपीआई की ओर हुई और वे छात्र राजनीति में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। इस प्रकार मार्क्स और गौतम बुद्ध का, दोनों का उन पर व्यापक प्रभाव पड़ा। मार्क्स और गौतम बुद्ध को और अच्छी तरह से समझने के लिए मैं एक पुस्तक का सहारा लेना चाहूंगी, जिसे डॉक्टर सूर्य नारायण रणसुंभे ने लिखा है, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर। उसमें उन्होंने अंबेडकर के एक भाषण का उल्लेख किया है। वे लिखते हैं, बुद्ध और मार्क्स को वे एक दूसरे का शत्रु अथवा प्रतिस्पर्धी के रूप में नहीं देखते। इन दोनों के बीच स्थित साम्य भेद को वे स्पष्ट करते हैं। इन दोनों में साम्य अधिक है। साम्य मतलब समानता। हिंसा के सिवा दूसरा भेद ही नहीं है। इस कारण उन्होंने बौद्ध साम्यवाद शब्द का प्रयोग किया है। कम्युनिज्म में से हिंसा निकाल दी जाए तो बुद्ध ही शेष रह जाता है। भौतिकता, अनिश्वरवाद, अनात्मवाद, इन मूलभूत मूल्यों में दोनों में अद्भुत समानता है। बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टि और अंधश्रद्धा का विरोध, इनमें भी समानता है। स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय, शोषण मुक्ति, मनुष्य की प्रतिष्ठा, इन मूलभूत भूमिकाओं के संबंध में दोनों में अद्भुत समानता है। अलबत्ता इन भूमिकाओं तक पहुंचने के दोनों के मार्ग अलग हैं, भिन्न हैं। बुद्ध की दुख मीमांसा और मार्क्स की शोषण मीमांसा में अंबेडकर को अधिक साम्य दिखाई देता है। बुद्ध भी व्यक्तिगत संपत्ति के विरोध में थे और इस बात को अंबेडकर जी बार बार अपने भाषण में दोहराते हैं। और वह भाषण क्या था? बुद्ध और
मार्क्स। अंबेडकर ने आकाशवाणी पर दिए अपने एक भाषण में कहा था, मेरा सामाजिक दर्शन केवल तीन शब्दों में रखा जा सकता है। वे शब्द हैं स्वतंत्रता, समता और बंधुभाव। मैंने इस दर्शन को फ्रेंच राज्य क्रांति से उधार नहीं लिया है। मेरे दर्शन की जड़ें धर्म में हैं, राजनीति में नहीं। मेरे गुरु बुद्ध के व्यक्तित्व और कृतित्व से मुझे ये तीन मूल्य मिले हैं। तुलसीराम ने भी 21 मार्च 1988 को बाकायदा बौद्ध धर्म में दीक्षा ले ली। वे बाद में 1976 में दिल्ली जाते हैं और आगे उनकी पढ़ाई, उनका करियर शुरू होता है। दलित आत्मकथा के जो लेखक हैं, वे अपने बचपन से ही अपने घर परिवार में उत्पीड़न और शोषण देखते आए हैं। अपने परिवार वालों को जलील होते देखा है, स्वयं भूखे प्यासे रहकर भी आजीविका के लिए संघर्ष किया है। तो ये जो सामाजिक जीवन का यथार्थ है, वह उनकी आत्मकथाओं में अभिव्यक्त होता रहा है। और यह बहुत मानी हुई बात है कि आत्मकथा लिखना बड़े साहस का काम है, क्योंकि इसमें स्वयं के बारे सारी गोपनीय बातों को भी लिखना पड़ता है। शोषण, दमन, उत्पीड़न, घृणा, अपमान से भरी जिंदगी के बारे पूरी तरह से निष्पक्ष होकर लिखना पड़ता है। तुलसीराम की मुर्दहिया इसी प्रकार की आत्मकथा है। तुलसीराम की यह जो आत्मकथा है मुर्दहिया, वह तद्भव एक प्रसिद्ध हिंदी की पत्रिका है, जिसमें धारावाहिक रूप से यह आत्मकथा प्रकाशित होती रही थी। और पुस्तक रूप में आने से पहले ही यह आत्मकथा प्रसिद्ध हो चुकी थी, लोगों के बीच लोकप्रिय हो चुकी थी। इस आत्मकथा की प्रसिद्धि इस अर्थ में भी है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि के जूठन के बाद मुर्दहिया ऐसी पहली आत्मकथा है जिसे न सिर्फ दलितों ने बल्कि गैर दलितों ने भी स्वीकार किया और यह आत्मकथा लोकप्रिय हो पाई। इस आत्मकथा में धर्मपुर की दलित बस्ती का वर्णन है और वहां के लोक जीवन का वर्णन है। धर्मपुर गांव में आने जाने वाले सारे रास्ते मुर्दहिया होकर ही जाते हैं, इसलिए हिंदू समाज में जो स्थान मणिकर्णिका का है, दलित समाज में वही स्थान धर्मपुर की दलित बस्ती के लिए वही स्थान मुर्दहिया का है। अतः जो शीर्षक है, आत्मकथा का जो शीर्षक है, वह बहुत ही प्रासंगिक है। इस आत्मकथा में समूचे पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रिपोर्टाज की तरह है। इसमें लेखक ने अपने गांव का इतिहास भी बताया है, भूगोल भी बताया है और सांस्कृतिक इतिहास की तरह लिखा है। और यह जो आत्मकथा है, धर्मपुर की दलित बस्ती की जो आत्मकथा है, वह एक दलित बस्ती की आत्मकथा नहीं है, बल्कि हर दलित बस्ती की आत्मकथा है। उसमें जो लोक जीवन का उन्होंने व्यापक परिवेश, लोक रंग का, लोक गीत का, लोक संगीत का, लोक नृत्य का, सभी का मुर्दहिया में बहुत ही अच्छा वर्णन किया है। लोक जीवन को परखने की उनकी जो लोक दृष्टि है, वह तुलसीराम की अपनी विशेषता है। बहुत सारे लोक चरित्रों को उन्होंने इस आत्मकथा में
स्थान दिया है, जैसे नटनिया, बंकिया डोम, मदारी, बायस्कोप वाला, जोगी बाबा, हिंगूहारा, चूड़ीहारा, पटहारा, कपड़हारा, यानी कि दलित लोग किस तरह संगीत ध्वनियों से अपनी अभावग्रस्त जिंदगी को जीते हैं और दलित बच्चों को किस तरह जीने की कला सिखाते हैं, बहुत अच्छे से इसका वर्णन किया गया है। और आत्मकथा को इस तरह लिखा गया है जैसे एक उपन्यास में रोचकता होती है, उसी तरह इस आत्मकथा में भी रोचकता है। यहां पर लेखक उस मुर्दहिया के उजड़ने की भी गाथा कहते हैं। मुर्दहिया उजड़ चुकी है, वहां के पशु पक्षी, गिद्ध, कुत्ते, सियार, शाही खरगोश, वे भी विलुप्त हो गए हैं और दलित बस्ती से मजदूरों का विस्थापन शहरों की तरफ हो गया है, जो कि शहरीकरण का सबसे बड़ा दर्दनाक पक्ष है। अधिकतर लोग कलकत्ता की तरफ गए हैं। रेलगाड़ी, कलकत्ता की तरफ जाने वाली रेलगाड़ी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई है। तो मुर्दहिया के उजड़ने का जो दुख है वह बार बार झलकता है। मुर्दहिया में लेखक रामचरण यादव से संबंधित एक घटना का उल्लेख करते हैं। जब वे पोखरे में नहाने के लिए जाते हैं तो तुलसीराम को पूरी तरह डांटा फटकारा जाता है, कनवा चमरा कहकर अपमानित किया जाता है और यह भी कहा जाता है कि जल्दी से भाग चमार कहीं का, बड़कन लोगन के पोखरा में तू नहाइबे। तो इस तरह से दलित बच्चों के साथ जो जुल्म होता है, जो जुल्म हो चुका होता है, इन सारी बातों को वे सामने रखते हैं, खुलकर सामने रखते हैं। और उनके मन में रामचरण यादव के प्रति बदला लेने की भावना भी आती है, लेकिन वे वहां तो कुछ नहीं करते हैं। मुर्दहिया में जो गिद्ध मंडराते हैं उसका भी उन्होंने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है और ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं जो उस गांव के हैं। जैसे उन्होंने लिखा है कि सुअर को दौड़ाकर घेरने, बांस में उल्टा लटका कर ले जाने, उसे क्रूरता पूर्वक मारने और उसके चीखने चिल्लाने का दृश्य या मुर्दा पशुओं की खाल उतारने की कला कौशल, फिर चूहों को बिल से बाहर निकालने, उनको भूनने का दृश्य हो, ये सारे दृश्य उन्होंने बहुत अच्छे से लिखा है। जबकि शिष्ट जो साहित्य है इनको विभत्स मानता है, लेकिन उन्होंने इस तरह से वर्णन किया है, कलात्मक ढंग से वर्णन किया है कि विभत्स रस यहाँ पर उत्पन्न नहीं होता है बल्कि करुण रस उत्पन्न होता है। कुशल नैरेटर की तरह लेखन करते रहे हैं तुलसीराम और अपनी भाषा पर उनका पूरा कमांड है। पूर्वांचल के ग्रामीण जीवन में बोले जाने वाले बहुत सारे मृत प्राय शब्दों को लेखक ने पुनर्जीवित किया है और ऐसे ऐसे शब्दों का उल्लेख किया है जो अब प्रायः लुप्त प्राय हो चुके हैं। तुलसीराम ने धर्मपुर के अकाल पीड़ित लोक जीवन में दलित बस्ती की अभावग्रस्त जिंदगी के अत्यंत ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किए हैं। विशेषकर बरसात और जाड़े के दिनों में जब लोगों का जीना दूभर हो जाता था, वे लिखते हैं, लगातार पानी बरसते रहने से सबकी झोपड़ियों या खपरेलों के घरों की बड़ेरों या छज्जों से अनेक जगहों पर पानी चूने लगता था। रात भर लोग एक पतेली या पतेला इधर तो उधर, कहीं लोटा किसी तरफ थाली कहीं और रखकर टपकते हुए पानी को भर भर कर
घर से बाहर फेंकते रहते थे। उसी प्रकार जाड़े के दिनों में भी पुआल के बिस्तर पर पुआल ओढ़कर ठंड से ठिठुरते हुए दउ दउ धाम करा की प्रार्थना कर रहे हैं। तुलसी राम का ये जो वर्णन है पीड़ित लोक जीवन का, वह अत्यंत ही मार्मिक बन पड़ा है। चौथी राम यादव ने मुर्दहिया के बारे में लिखा है, दलित आत्मकथाओं में वेदना और विद्रोह का स्वर काफी प्रबल होता है तथा विद्रोह की प्रेरणा डॉक्टर आंबेडकर की वैचारिकी से मिलती है। इस संदर्भ में तुलसीराम की आत्मकथा मुर्दहिया किंचित भिन्न है। यहाँ वेदना तो भरपूर है लेकिन आक्रोश भरा विद्रोही स्वर बुद्ध की करुणा के संस्पर्श से शमित होकर मानवीय संवेदना का एक व्यापक परिपक्ष प्रस्तुत करता है। अतः इस अर्थ में मुर्दहिया रोती हुई संवेदनाओं की आत्मकथा है जिसे पढ़ते समय लेखक के बार बार रोने का एहसास होता है। इसकी पराकाष्ठा मुर्दहिया से बिछुड़ने के दुख में होती है जब लेखक की गैर रोशनी वाली आंख से भी उतनी ही अश्रुधारा फूटी थी जितनी की रोशनी वाली आंख से। हिंदी में दलित आत्मकथा दलित विमर्श के प्रमुख उपकरण है। आत्मकथा एक तथ्य केंद्रित लेखन है, तथ्य केंद्रित लेखन की विधा है। इसमें कल्पनाशीलता के लिए कोई जगह नहीं है। लेखक का परिवार, लेखक स्वयं जिस व्यथा को, जिस जीवन यथार्थ को भोगता है उसे चित्रित करना पड़ता है। इस तरह इसमें कल्पनाशीलता के लिए कोई जगह नहीं होती है। तुलसीराम के दोनों आत्मकथा, एक तो मुर्दहिया और उसके दूसरे खंड का नाम जिसका नाम है मणिकर्णिका, दोनों आत्मकथा बहुत ही महत्वपूर्ण आत्मकथा है और निश्चित रूप से मुर्दहिया उनके जीवन का जनपद पर्व है। और मुर्दहिया आत्मकथा के द्वारा वे दलित आत्मकथा परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं।